बिहार में हुई जहरीली शराब कांड के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी आबकारी विभाग ने जहरीली शराब के कारोबारियों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। इस अभियान के अंतर्गत गाजियाबाद की टीम आबकारी विभाग की टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें उसने हिंडोन खादर क्षेत्र में जमीन में दबाकर रखे गए शराब के जखीरे को बरामद कर नष्ट किया है। आबकारी विभाग ने बताया कि लगातार ऐसी शराब को खत्म करने के लिए उनका विभाग समय समय पर खासकर क्षेत्र में अभियान चलाया रहा है, लेकिन उनके पहुंचने से पहले अवैध शराब के कारोबारी वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने खादर क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को बताया। जिस जगह पर यह शराब कारोबारी जहरीली शराब के इस जखीरे को छुपा कर रखते हैं, वहां तक पहुंचने में आबकारी विभाग की पुलिस और टीम को पैदल ही घंटों तक का सफर तय करना पड़ता है, जिसके चलते जहरीली शराब के अवैध कारोबारियों को उनके आने की भनक लग जाती है और आरोपी वहां से फरार हो जाते हैं। पुलिस ने कहा कि नववर्ष पर अवैध तरीके से रेस्टोरेंट मॉल में शराब परोसने वाले कारोबारियों पर भी आबकारी विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। गाजियाबाद से नितिन कुमार की रिपोर्ट। की आबकारी टीम द्वारा लगातार अवैध शराब के विरुद्ध प्रहरण कार्य किया जा रहा है, उसी के क्रम में जो है हम लोग की कार्रवाई होती है। अभी हम लोग ने एक दो दिन पहले ही हिंडन नदी के खादर क्षेत्र में दबिश की कार्रवाई की थी, जहां पर लगभग 155 लीटर अवैध कच्ची शराब और बड़ी मात्रा में जो है लहन भी बरामद किया गया था। इसके अलावा जो है हम लोग जो है लगातार रूट चेकिंग भी कर रहे हैं कि दिल्ली राज से और अन्य हरियाणा राज से जो अवैध शराब आती है वो बिल्कुल आने ना पाए, और नौ वर्ष के उपलक्ष्य में भी जो है हम लोग लगातार रेस्टोरेंट की चेकिंग कर रहे हैं, होटल बार की चेकिंग लगातार हो रही है कि कहीं पर भी जो है अवैध शराब ना बिकने पाए।